तो हम लोग जी हो गए हैं तैयार और सारा सामान सभी देख सकते हैं रेडी। तो पहुंच गए जी स्टेशन, मम्मी और जिया जो है उधर वेट कर रही है। पनकी धाम मंदिर जाएंगे, उसके अलावा और भी जो मंदिर सब होगा कानपुर में वहाँ हम लोग घूमेंगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे पता है क्या, पनकी धाम और भी बहुत खूबसूरत हो गया है। तो अब इसको भी जलन होता है। आप में से बहुत लोगों का कमेंट रहता था कि आपके मामा है कि नहीं है, तो इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मामा है, उनकी पूरी फैमिली है, तो सबसे मिलवाएंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी फिलहाल हम लोग की सारी हो गई है पैकिंग और हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से कानपुर अपने मामा जी के घर। मम्मी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मम्मी मिलेगी अपने भाई से, हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मामा जी से मुलाकात होगी, मम्मी जी से मुलाकात होगी और हमारे जितने भी मेरी भाई बहन है सभी से मुलाकात होगी। कानपुर गए हुए जो है अच्छा खासा समय हो गया है हमारा, तो फिलहाल चलते हैं जी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अब जब हम जाएंगे तो हमारा बेटा भी साथ में जा रहा है और बेटा भी लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। असल में ये जाना चाह रहा है नीचे, इसको जाने अभी मिल नहीं रहा है, तो बस खाली ये देख रहे बदमाशी कर रहा है, इसको जाना है दादा दादी के पास। कौन एक डांस इसमें देखा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं जी, सभी लोग अपना खाना खाते हैं और ट्रेन के भी आने का समय है लगभग अभी से 2 घंटे बाद, तो समय तो हम लोग के पास पर्याप्त है, तो खा पी करके जो है सब लोग फ्री हो जाएंगे। और क्रियांश की दादी आ गई, इसको जाना था नीचे ही, तो अपना चल गया नीचे। One hour later. तो हम लोग जी हो गए हैं तैयार और सारा सामान सभी देख सकते हैं रेडी। और क्रियांश जो है नीचे एकदम तबाही मचा रहा है, उसको मालूम चल गया है कि सभी लोग तैयार हैं। जैसे ही कोई भी देखता है ड्रेस चेंज हो रहा है, जैसे ही देखता है कि गाड़ी की चाबी किसी के हाथ में है तो समझ जाता है कहीं निकलने वाले हैं। और उसके बाद जो क्रियांश की तबाही शुरू होती है, उसके बाद चाहता है कि कब निकले आखिर यहाँ से, जल्दी निकले यहाँ से। तो कुछ ऐसा ही हाल रहता है। तो नीचे दादा दादी जो है संभाल रहे हैं और अभी कपड़ा जो चेंज किया हुआ बहुत ठंडा वो ठंडा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, और उसके बाद जो है अब सारा सामान को जो है नीचे लेकर के चलते हैं और सबको गाड़ी में रखते हैं। बाकी सब रख दिया है, ये 2 सामान बस तुम लेकर के जाओ, इतना थोड़ा कष्ट उठा लो तुम अपना, ठीक है। तो गाड़ी जी इधर निकल चुकी है, सारा सामान सब भी यहाँ पर रखा जा चुका है। और यहाँ पर क्रियांश जो है सुतराब निकलेंगे तब निकलेंगे, सोच रहा है बाबा भी जाइबे करेंगे। हाँ हाँ, बाय क्रियांश, बाय बाय। A few moments later. तो पहुंच गए थे स्टेशन, मम्मी और जिया जो है उधर वेट कर रही है और इधर हम दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। इधर हम क्रियांश के साथ टहल रहे हैं, तो क्रियांश जो है पूरे स्टेशन का जो राउंड मार रहा है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, कहां तक राउंड मारता है मारने दो। अच्छा यहां थक जाएगा तो आराम से सोएगा ट्रेन में। ये क्रियांश क्या चल रहा है, ट्रेन आई, ट्रेन को देख रहा है क्रियांश गौर से, आखिर क्या चीज आ गई, इतनी बड़ी सी क्या चीज है क्रियांश, ट्रेन में चढ़ना है तुम्हें क्या, भाग रहा है क्रियांश। तो जी हम क्रियांश को जो घुमा रहे थे, हमें लग रहा था यहाँ दूसरी ट्रेन है कैपिटल एक्सप्रेस कामाख्या वाली, लेकिन यहाँ जो है हमारी ही ट्रेन थी, तो सीमांचल एक्सप्रेस जो है आ गई है। और झटपट झटपट दौड़ करके गए और सभी लोग जो है अंदर, सामान सब शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी भी टाइम है, ट्रेन के खुलने में अभी भी 15 मिनट है, लेकिन बस क्योंकि ट्रेन आ गई तो थोड़ा सा हड़बड़ी लग गया कि बस किसी तरह से पहले सामान पहुंचा दो फिर देखा जाएगा। और क्रियांश जो है अपना खेलने में मस्त है, अंदर में बहुत बदमाशी कर रहा था, तो जितना भी बेड शीट है, जितना भी बेड रोल सब दिया हुआ है, तो जिया अंदर में बिछा रही है और मम्मी मिल करके हम इसको लेकर के आ गए, क्योंकि इसके रहते हुए जो है सारा बेड रोल सब बिछाना बहुत मुश्किल था। है क्रियांश मज़ा आ रहा है, बाप रे अंदर लेकिन गर्मी लग रही थी भयंकर, बाहर हल्की फुल्की ठंड है लेकिन अंदर तो बिल्कुल गर्मी है, क्रियांश का जैकेट खोलना पड़ेगा, परेशान हो जाएगा ये। तो सभी लोग जी यहाँ पर बैठ गए हैं और क्रियांश का देखिए अपना हरकत जारी है, क्रियांश आ रहा है यहाँ से बाहर निकले और घूमे। और क्रियांश कब सोना है तुमको, कोई ठीक नहीं है, कब सोएगा ये? हाँ क्या कर रहा है तुम अंकल को? हम कितने चेंज हो गए। तो यहाँ ऊपर पे हम और क्रियांश सोए हुए थे और यहाँ से क्रियांश जो है ना एक चीज समझ गया है कि यहाँ से मैं गिर जाऊंगा, इस वजह से ज्यादा बदमाशी नहीं कर रहा था, एकदम आसानी से वो मेरे गोदी में बैठा हुआ था और सो भी गया था। फिलहाल जो है क्रियांश अपना गैलरी देख लिया है, गैलरी है घूमने के लिए। जैसे ही अपने पापा को देखा ना तो मुझे कहता है भाई क्रियांश
क्या वो देखो कौन है क्रियांस। आ जा मम्मा पास। जाओ मम्मी पास जाएगा। जाओ 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 मम्मा पास आ जाएगा लग रहा है अभी। आ जाओ ये ना बस समझदार हो गया लेकिन समझदारी वाला काम नहीं करता है। जब इसको लगता है कि हाँ इससे मुझे कुछ दिक्कत होगा तो फिर वो समझदारी वाला काम करता है। तो जैसे ही वो अपने पापा को देखा तो कहता है मुझे बाय। काली हानी जी माँ सोई हुई थी उधर बदरीर सोए थे तो हम लोगों को नहीं मिला था। बबुआ बेटी यहाँ पे माँ भी आ गई। राना बेटा हमने माइन को जैसे ही देखा बउआ हमको कहता है बाय क्या वो छोड़ो हम जाएंगे। अभी बज रहे थी सुबह के 8:15 और हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जिसका कि पहले नाम मुगलसराय हुआ करता था। और ट्रेन को देखते हैं अभी तक तो टाइमली ही चल रही है। अच्छा है जी ऐसे ही टाइमली चले तो हम लोग जो है 2 बजे तक कानपुर पहुंच जाएंगे। अच्छा है जी ठंड जो है थोड़ी सी अब कम हुई है और हमारा क्रियांश वहाँ से जो है उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। मम्मी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल चलते हैं अपना फ्रेश व्रेश होते हैं और अपना मूवी सब डाउनलोड करके ले ही आए देखते हैं। क्रियांश आ गया अपने पापा के पास ऊपर। बिल्कुल और क्रियांश का तो है जैकेट खोल दिए हैं क्योंकि इसको पसीना बहुत अच्छा खासा आ रहा था। भींग गया और कह रहा है मुझे ये भी खोल लो लेकिन अब ज्यादा नहीं खोलना है दिक्कत भी ना हो जाए। और इसको जो है दवाई भी देना है अभी कुछ देर में खांसी का दवाई भी देना पड़ेगा। और क्रियांश को लेकर के क्या हुआ बेचारा ट्रेन में बोर होता है लेकिन बोर हो रहा है और नींद भी आ रही है सो नहीं रहा है। गाड़ी में ये चीज अच्छा रहता है कि आराम कहीं भी बिल्कुल सो जाता है जहाँ मन हुआ नींद पूरा के उठता है। बिल्कुल कहीं पर रोक दिए स्टीयरिंग चला लिया खुश हो गया बस बात खत्म। ये चीज इसके लिए सही रहता है लेकिन जो ड्राइव करता है जो इसके साथ बैठता है उसके लिए ये चीजें दिक्कत है। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको संभालने से अच्छा हम गाड़ी ड्राइव कर लेंगे। ड्राइविंग करने में कोई भी असकत नहीं आता है किसी भी तरह का कोई ड्राइविंग करना इनको बहुत पसंद है बहुत पसंद है। बिल्कुल जी तो कोशिश करेंगे कि अब से जो अगला ट्रिप है गाड़ी से ही जाया जाए। नहीं नहीं तो इसको आदत भी तो होना चाहिए। बिल्कुल आदत होनी चाहिए तो तुम संभालो यहाँ पर हमसे नहीं संभाल रहा है। तब से तो हम ही संभाल के रखे रात भर सोने नहीं दिया मुझे। क्यों नहीं सोई तुम सोना चाहिए था। ये कह रहा है मेरे से चिपक के मत सो हटो 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 इसमें जगह ही कितना है। देखो अभी कितना शांत होकर बैठा है क्रियांश। कैमरा ऑन है ना इसलिए क्रियांश वैसे जानती है इसका बर्थ जो है ना थोड़ा सा चौड़ा है। हाँ तो सोने में ऐसे दिक्कत नहीं हुआ था मुझे पता है लेकिन इसके शरीर में थोड़ा सा भी टच नहीं होना चाहिए। और हमको सोते समय क्या बार बार मन में रहता था भ्रम ये चीज तो दिया हुआ है लेकिन हमको लगता था कहीं पलट ना जाए। नहीं आप पलटते नहीं हो आप एक ही जगह सोते हो लेकिन मन में भ्रम था। ये देखो ये लाइट जलाने की कोशिश करता है यहाँ पर बल्ब नहीं है। गनीमत है कि यहाँ पर कोई भी स्विच नहीं है। बंद करो कैमरा। अगर यहाँ स्विच रहता ऑन ऑफ नहीं करता। देखो मुझे कह रहा है कैमरा बंद करो नहीं करेगी मम्मा कैमरा नहीं करेगी मम्मा बंद कैमरा बंद करो तब बदमाशी करेगा कितना ये स्मार्ट हो गया है। पता चल गया कैमरा ऑन है जैसे फ्लैश ऑन हुआ देख लो बंद कर दे। तो जी अब पहुंच जाएंगे हम लोग लगभग यहाँ से लगभग 4 घंटे में कानपुर और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कानपुर जाने को लेकर के। मेरा जो है 1 साल पढ़ाई भी हुआ था कानपुर में काका देव का जो कोचिंग जो भी कानपुर के होंगे उनको पता होगा किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो काका देव आए थे जी हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो 1 साल जो है लगभग रहे हैं हमें ध्यान है पनकी से जाते थे सीधा विजयनगर और विजयनगर से जाते थे काका देव तो ऐसे ही ऑटो पकड़ करके जाते थे। और पुरानी यादें जो है हमारी ताज़ा होंगी और हमारे भाई बहन जो होंगे उनसे भी मुलाकात होगी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पनकी मंदिर जाएंगे ना पनकी धाम मंदिर जाएंगे उसके अलावा और भी जो मंदिर सब होगा कानपुर में वहाँ हम लोग घूमेंगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे पता है क्या पनकी धाम और भी बहुत खूबसूरत हो गया है। अच्छा मतलब हाँ पहले और भी अच्छे से बना दिया गया है। वाह हम तो गए थे जी आज से लगभग लगता है 10 साल हो गया है मेरा वहाँ गए हुए। तुम फर्स्ट टाइम जाएगी और 10 साल में तो बहुत कुछ बदल चुका होगा वहाँ पर तो देखते हैं जी। और सुनिए कि मामा जी जो है जिस कॉलोनी में पहले रहते थे वहाँ से भी चेंज कर लिया है फ्लैट अपना तो किसी और जगह शिफ्ट हो गए। और क्रियांश को जी आप पकड़ के रखो वरना ये पकड़ के रखे गिर जाएगा। क्या कर लियो
आगे मेरे पास, चल बैठो तुम यहाँ बैठो, माई शू को लेंगे, तुम गंदू बेबी। यहाँ देखो तुम्हारा शैतान भाई, बदमाश भाई है इधर। अच्छा ना ये मेरा बेबी, बाप बाप क्या तुम बाप, तुप करो तुप माई शू, तुप क्या हो गया क्या, तुप तुप। अब इसको भी जलन होता है, ये मुझे टच कर रही थी ना तो ये भगा रहा था। अच्छा तो देखो 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 माई शू। तो जी अब हम लोग यहाँ से जो है कुछ देर में जो पहुँच जाएंगे कानपुर, और काफी अच्छा रहा सफर क्रियांश के साथ, और मम्मी के साथ भी बहुत स्पेशल नहीं रहता है। और इस बार स्पेशल माँ भी थी, तो वो बिल्कुल माँ भी थी। और आप लोग जो है बहुत बार देखते थे, कमेंट क्या करते थे कि जहाँ भी जाते आप माँ को साथ में लेकर के नहीं जाते, पापा को साथ में लेकर के नहीं जाते, फैमिली आप अकेले घूमते रहते हो। तो इस बार चलिए जी माँ भी आ गई हमारे साथ, और यह ट्रिप जो है खास हो गया है। तो हम लोग जो है मिलवाएंगे आपको अपने मामा जी से। आप में से बहुत लोगों का कमेंट रहता था कि आपके मामा हैं कि नहीं है, तो इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मामा हैं, उनकी पूरी फैमिली है, तो सबसे मिलवाएंगे आप लोग। सबसे मिलवाएंगे, लेकिन वो सब मिलवाएंगे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि अच्छा खासा लंबा वीडियो हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। हां जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।